हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद आई मैं। हाँ, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो अगर देख रहे हो तो एक कमेंट कर देना, ठीक है? तो आजकल तो मेरा व्यूज़ भी कम कम आ रहा है, तो देखो आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे तो। और जो जो मेरा नया मतलब ये है व्यूअर, नया व्यूअर्स है, वो सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन है वो दबा देना। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ उस दीदियों को लेकर, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, अभी मुझे हंसी आ रही है। अरे दी, तू तो इस वीडियो में सूट ही नहीं कर रहे हो, मतलब तुम जैसी बेटी ना किसी को ना मिले, ऐसे सारा खानदान का नाम नीचे करवा रही हो तुम। लाइक्स और व्यूज के लिए तू ये मतलब विदाउट ब्रा में वीडियो बनाती है, क्योंकि ब्रा पहनने से तेरा ज़्यादा हिलेगा नहीं ना, इसलिए। और हाँ, मैंने तेरे बारे में जॉनी भाई को बोला था, लेकिन जॉनी भाई ने बोला कि मुझसे भी ये हैंडल नहीं होगा। तो देख ले, जॉनी भाई भी तुझसे डर रहा है, तो किसी और को ढूंढ लेना, ठीक है? और हिलाना, हिला हिला के वीडियो बना। ये बॉल, हाँ ये बॉल तेरे जैसा नहीं है, थोड़ा सोता सोता है ये दोनों बॉल, लेकिन सेम ही है ना, ऐसा ही है ना तेरा बॉल। लेकिन ऐसा तो 20 लगेगा तेरा एक होने, 20 नहीं 1000 लगेगा तेरा एक होने में। भोसड़ी वाली सूतियापा करने चली है, बकसोदी चल रहा है क्या यहाँ पे? बकसोदी से यहाँ पे तेरी माँ की। ओए, ये दीदी तो मतलब इसको तो शर्म लग रही है, तो शर्म है इसके तो मतलब आती है शर्म खोनों को, उसको तो शर्म लग रही है, इसलिए वो ऐसे ऐसे करके मतलब साड़ी को ऐसे ऐसे करके दिखा रही है। दो बैलून, बड़ा बड़ा बैलून है मेरे पास, बैलून बोल के मतलब दिखा रही है। अरे सूतिया, ये है तेरे पास, ये तो सबको पता है, ऐसे सूतियापा करके ऐसे दिखाने का जरूरी है क्या? बकसोदी चल रहा है क्या यहाँ पे? बकसोदी, हाँ तुम लोगों के दिमाग में कुछ घुसता नहीं है क्या? क्या है मतलब ये सब दूर? बकसोदी चल रहा है, चूतिया पकड़ रहे हो बेड पकड़ना, ठीक है? कौन सा बीट है वे? वो बोला बीट पकड़ना, ठीक है? तो तू तो तेरा वो दोनों बैलून पकड़ रही है, क्या बीट है ये? तुझे समझ में नहीं आता बीट पकड़ना मतलब क्या है? तो तू बैलून क्यों, तू बैलून क्यों पकड़ रही है? बीट पकड़ना, ठीक है? बोला तो अच्छे से पकड़ना, ठीक है? अच्छे से पकड़ना, रोज मालिश करना, और बड़ा होगा तो तुझे 10 मिलियन व्यूज और लाइक्स मिलेगा। मुझे कल सपने में आया था मेरा, तो ये अच्छे से मालिश करना रोज सरसों का तेल लेके, ठीक है? तो तुझे 10 मिलियन व्यू मिलेगा, और बकचोदी कर पाएगी तू, और सूतियापा कर पाएगी तू इंस्टाग्राम में, तो 10 मिलियन मिलेगा तेरे को। टैलेंट कुछ तो टैलेंट है नहीं, सिर्फ वो दोनों ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे हिला के, और सबको पसंद भी आता है, ऐसे ऐसे हिलाती है और सब लाइक ठोक के जाता है, ये सबको तो ये दोनों देखने में ही मजा आता है ये दोनों। कमी नहीं कहीं की। अभी तो ये पहली मंजिल है, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम अभी अभी से घबरा गए। हमारे देश के लड़के नहीं घबराते, लड़कों घबराओगे क्या? मत घबराओ, इन सब से मत घबराओ। हमारी देश का, हमारी देश की कुछ कुछ बेटियां बिगड़ रही है, और माँ बाप आँख मूंद करके देख रहा है, क्योंकि पैसा आ रहा है घर पे ना, ये सब दिखा दिखा के लाइक्स मिलता है उसमें से, ये सब दिखा दिखा के लाइक्स फिर पैसा भी मिलता है, तो क्यों ना दिखाए? माँ बाप आँख बंद करके बोल रहे हैं जो करना है करो, घर पे पैसा आने का है, मतलब कुछ भी करो पैसा लाओ। तो हमारी देश की कुछ कुछ लड़की बिगड़ रही है, बिगड़ नहीं रही है, लाइक फॉलोअर्स के लिए ये सब नोटों की बकसोदी कर रही है,
तो करते रहो करते रहो, जितना बकसोदी करना है उतना बकसोदी करो, भोलियो सब करो, जो मन जाए वो करो। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। एक परदेसी ने उसका दिल ले गया, दिल ले गया है। लड़को तुम लोगों का आँख कहाँ पर रहता है, वो इतनी सुंदर है, थोड़ा सा उसका थोपड़ा भी तो देख लो, सीधा आँख यहाँ पे जाता है, यहाँ पे मत देखो, यहाँ पे भी देख लो थोड़ा सा ऐसे करके। बेचारी इतनी सुंदर है और उसका दिल ले गया एक लड़का, मतलब एक परदेसी उसका दिल ले गया। वो तो बड़ा बड़ा दो दिल नहीं, मतलब जो सोता वाला दिल रहता है वो ले गया, वो लेके जाके वो उसको गम दे के चला गया। इसलिए बिचारी हिला हिला के रो रही है। हम तो नॉर्मल लोग तो ऐसे ही रोते हैं ना, ऐसे ही रोते हैं नॉर्मल लोग, लेकिन ये बिचारी गम के बाद भी ऐसे ऐसे हिला हिला के गम दिखा रही है। चाला चूतिया पकड़ तेरी माँ की बहन की लोरी, भोसरी वाले बकसोदी कर रहा है। और चुतियापा करो और बकसोदी करो, करते रहो करते रहो करते रहो, मजे में रहो, ऐसे ऐसे हिलाते रहो, ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे सब जगह से हिलाओ, हिला हिला के उसको किसी दिन गिरा दो नीचे, फिर लगाने का नौबत ही नहीं आएगा। भोसरी वाली बकसोदी कर रही है चाली। तो कैसा लगा मेरा वीडियो देखकर? अगर मेरा वीडियो देखकर अच्छा लगा तो लाइक करना, फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो तब तक के लिए फिर से आएंगे एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, अच्छे से रहो सब लोग। कोरोना फिर से आ रहा है तो मास्क लगा के घूमो, बाहर जा घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाओ, सैनिटाइज हाथ में रखो, सैनिटाइज करो हाथों को अच्छे से, और बाहर से आने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लेना, उसके बाद ही कुछ खाना, और बाहर से आने के बाद नहाने जाना, और जो कपड़ा पहन के गए थे वो कपड़ा धो देना अच्छे से, डेटॉल यूज़ करके। सब लोग अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, घर पे रहो, और बाय बाय।